हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। अभी तक हमने कुछ लेक्चरों से फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने ये बात की कि फर्मेंटर क्या होते हैं, क्या होती है फर्मेंटेशन प्रोसीजर और ये कितने टाइप की होती है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि कितने स्केल पर फर्मेंटेशन होता है और कितने टाइप के फर्मेंटर्स होते हैं। हमने पिछली बार बात की थी कि तीन टाइप के फर्मेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बैच फर्मेंटर, फीड बैच फर्मेंटर और कंटिन्यूस फर्मेंटर कहते हैं, और इनका तीन स्केल पर यूज होता है, जिसे हम लेबोरेटरी स्केल, पायलट स्केल और इंडस्ट्रियल स्केल कहते हैं। तो आज इसी के बारे में हम जनरल डिस्कशन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले बात करते हैं बैच फर्मेंटर के बारे में, क्या होता है बैच फर्मेंटर और इसे कहाँ यूज किया जाता है। बैच फर्मेंटर एक टेबल टॉप फर्मेंटर भी कहलाता है, क्योंकि ये साइज में छोटा होता है और मेनली इनका यूज स्मॉल इंडस्ट्री या छोटे शॉप्स पे या लेबोरेटरी लेवल पे ही किया जाता है। इसमें जो अमाउंट का कंसंट्रेशन होता है वो भी कम होता है, यानी ये मैक्सिमम 5 to 10 लीटर फर्मेंटेशन प्रोसीजर करवा पाता है। बैच फर्मेंटर में एक खासियत होती है कि यह एक क्लोज सिस्टम होता है, जैसे कि बैच मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं कि हम फर्स्ट ईयर की बैच है, मतलब एक पर्टिकुलर समय के लिए हम फर्स्ट ईयर की बैच है, वैसे ही फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है, बैच फर्मेंटेशन की प्रोसेस, वह एक पर्टिकुलर टाइम के लिए की जाती है, यानी उसे किसी मेन उद्देश्य के लिए ही कुछ समय के लिए लगाया जाता है और उसके कम्प्लीट होने के बाद उसे बंद कर दिया जाता है। इसे हम बैच फर्मेंटर कहते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए या उसकी डेफिनेशन कही जाए तो बैच फर्मेंटर वह फर्मेंटर्स हैं जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर अमाउंट को एक पर्टिकुलर एंजाइम्स और सभी के साथ, जिनका एक टाइमिंग निश्चित हो, उस पर यूज किया जाता है या उतने टाइम के लिए उसे एक्टिव रखा जाता है या ऑपरेट किया जाता है, उसे हम बैच फर्मेंटर। एक क्लोज सिस्टम है जिसमें हम यदि सारे इंग्रेडिएंट्स यानी कि सब्सट्रेट, हमारा एंजाइम, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जितना भी पीएच, टेम्परेचर कंट्रोलर, ये सारी चीजें ऐड करने के बाद इसे क्लोज कर दिया जाता है, फिर इसे ओपन नहीं किया जाता जब तक कि पूरी प्रोसीजर कंप्लीट ना हो जाए, उसे हम बैच फर्मेंटर कहते हैं। बैच फर्मेंटर क्लोज होने की वजह से इसमें कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, साथ ही इसके अंदर का जो मटीरियल होता है वह कंटिन्यू एक्टिव होता है, कोई चीज एडिशन नहीं की जा सकती बाहर से। पर इसका ये लॉस भी होता है कि जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इसे कन्वर्ट किया है प्रोडक्ट में, उतना ही मिलेगा, हम एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा वेस्ट हमारा एज कम्पेयर दूसरे फर्मेंटर्स के ज्यादा निकलता है। इसको समझने के लिए हम एक हाउस एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आप कोई मिक्सर ग्राइंडर में जूस बना रहे हैं, तो आप सारी चीजें ऐड करके जूसर का कैप बंद कर देते हैं और उसे जब तक मिक्सर को ऑन रखते हैं, जब तक कि जूस बन नहीं जाता, आप उसे ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। तो वैसे ही बैच फर्मेंटर भी है कि उसे जब तक एक्टिव रखा जाता है, जब तक कि पूरा प्रोडक्ट नहीं बन जाता, फिर इससे प्रोडक्ट निकाल लिया जाता है और जब इसे इसका फिर से यूज करना होता है तो इसे पूरी तरह से पहले स्टरलाइज किया जाता है, देन फिर से इसका रीयूज किया जाता है। बैच फर्मेंटर का मेनली यूज तो लेबोरेटरी लेवल पे ही होता है, क्योंकि इसका जो अमाउंट होता है प्रोडक्ट बनाने का वह बहुत, इसकी जो प्रोसीजर है वो भी कम समय के लिए होती है, इसमें स्मॉल अमाउंट का ही प्रोडक्शन होता है। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब।